हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुली रिपोर्टेंट। इस वीडियो में देखेंगे आप छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स में कैसे ले सकते हैं एडमिशन, फॉर्म की डेट्स क्या है, कब से कब तक फॉर्म ओपन रहेगा, फीस कितनी है, कौन कौन ले सकता है एडमिशन और क्या बाहर के स्टेट वाले भी वहां पर ले सकते हैं एडमिशन या नहीं, सिलेबस क्या रहने वाला है और बाकी सारी डिटेल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी जानने के लिए फॉर्म भरने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नोटिस है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से, जिसमें अलग अलग एग्जाम के डेट्स हैं वो मेंशन कर रखी हैं। सो हमें देखना है बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। सो आप देख सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर द एडमिशन इन द बीएससी नर्सिंग कोर्स, उसकी डेट है 13 जून 2024। 13 जून 2024 को पेपर होगा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। मीन्स अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के डोमिसाइल हैं तो किसी भी टाइप का जो फॉर्म फीस है वो नहीं ली जाएगी आपसे। जो लोग बाहर के स्टेट के हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनसे जो परीक्षा शुल्क है वो लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट क्या है, vyapam.cgstate.gov.in, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। अब देखते हैं बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। सो टोटल एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन जो है वो इन इन टॉपिक से होंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 100। हर सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% है, SC ST OBC के लिए 40% है, जनरल PWD के लिए 45% और SC ST OBC PWD के लिए 40% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। मिस अगर आपके इससे कम मार्क्स होते हैं तो एडमिशन नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, सो आपने अपना 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनसे पास किया हो और कम से कम आपके टोटल 45% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कम से कम 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग एडमिशन इन द बीएससी नर्सिंग कोर्स। मिनिमम एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जिन लोगों ने अपना प्लस टू ओपन से कर रखा है वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो विवाहित अभ्यर्थी हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कलर ब्लाइंड है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, मगर उनका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो करेक्टेबल हो कॉन्टेक्ट लेंसेज से या स्पेक्स से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं जो गवर्नमेंट सीट है उसमें सिर्फ वही ले सकता है एडमिशन। इसके अलावा जो बची हुई प्राइवेट कॉलेज की सीट्स हैं उन प्राइवेट कॉलेज की सीट पे जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें से जो 40% सीट्स हैं ये तो जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जो बची हुई 60 सीट्स हैं उस पे जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दे आर ओपन सीट्स। एडमिशन के लिए जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये काउंसलिंग फीस होगी। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख से, सो 7 मार्च से फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है और जो एंड डेट है फॉर्म भरने की वो है 7th of April 2024। 7 अप्रैल तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म भरते हुए कोई गलती कर दी है तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। इन 3 दिनों के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते हुए। जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट है 13th of June 2024। 13 जून को एग्जाम होगा और जो परीक्षा केंद्र है वो जो सभी जिला मुख्यालय हैं उनकी लिस्ट दे रखी है, वहां वहां पर परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा आवेदन करते हुए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, कोई सा भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं करना है। वो सारी चीजें चेक की जाएंगी जब काउंसलिंग होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, तो आप फोन कर सकते हैं इनके हेल्पलाइन नंबर पे। ये आप देख सकते हैं, ये रहा इनका हेल्पलाइन नंबर या जो मोबाइल नंबर है इस पे भी आप फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। सो टोटली आप देख सकते हैं ये दे रखे हैं इनके क्रमांक और ये दे रखे हैं जहां पर एग्जाम होगा। सो टोटल इस तरह से हमारे पास 33 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं पूरे राज्य में, इन्हीं जगहों पे एग्जाम होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। जो फॉर्म की फीस है वो क्या रहने वाली है, सो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनके लिए तो फॉर्म की फीस फ्री है। बाकी जो दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस 200 रुपये रहने वाली है, ओबीसी के लिए 150 और SC ST कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। अब देखते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर इन कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, बेसिक मेडिकल साइंस, इन सब टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंडर द
नर्सिंग एप्टीट्यूड कैटेगरी। सो इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। सो लास्ट 5 सालों के क्वेश्चन पेपर है, वो सब भी हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ये सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए दे रखी है, जैसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रोग्राम किस डिजीज के लिए होता है, वो सारी चीजें। इसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनका जो सिलेबस है, ये जो क्लास 11th और जो क्लास 12th इनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है और एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश का पेपर होता है तो इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा होगा आपको, उसमें से चूज करके आंसर लिखने होते हैं। वो सारी चीजें हम देखेंगे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंपॉर्टेंट बातें। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें द पॉली रिपोर्टेंट को, और वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी और नए इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।